तो भाई ये देख लो यहाँ पे जलेबी कितनी बढ़िया लग रही है दिखने में, दिखाइए मुकेश, ये देख लो कितनी करारी है एकदम, तोड़ दे बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से, ये देख लो। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, किस तरीके से ये बनती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तू खा ले पहले। तो अब हम जलेबी बनाने जा रहे हैं और उसका बैटर तैयार हो रहा है यहाँ पे। तो भैया ये कितना मैदा होगा? मैं आधा किलो मैदा की जलेबी बनाऊंगा। आधा किलो मैदा की बनेगी? हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया है भैया ने, ये डाल दिया इसमें आधा किलो मैदा। और अब इसमें क्या करेंगे भैया? इसमें पानी से बस गूंथेंगे इसको। अच्छा, पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे बेसन की तरह। और पानी भैया ऐसे ही लेंगे नॉर्मल? हाँ जी। ठीक है, तो पानी अपना नॉर्मल लेंगे। और पानी कितना लगाएंगे भैया इसमें? बस वही लगेगा 200-250 ग्राम। अच्छा, मतलब जितना मैदा है उसका लगभग आधा है। हाँ जी। ठीक है, जैसे कि आप 500 ग्राम आधा किलो मैदा की बना रहे हो जलेबी, तो उसका आधा पानी लगेगा 250 ग्राम। 1 किलो मैदा की बना रहे हो तो उसमें आधा पानी लगेगा 500 ग्राम के आसपास। ठीक है, बाकी अभी इसकी चाशनी बनाना भी देखेंगे वो किस तरीके से बनाई जाती है। ये देख लो, इस तरीके से आपको फेंटना है, आटे की तरह ऐसे गूंदना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये तो मैदा है और खमीरा भी लगेगा इसमें। अच्छा, इसमें खमीरा, मतलब क्या होता है भैया, खमीरा से ही तो बनती है ना जलेबी? खमीरा जो है 2-3 दिन पहले फुलाया जाता है। अच्छा, जलेबी बनाने के लिए। अच्छा, ये रहा मेरे पास, ये देखो, अब ये मैदा तो लग गया है, इसमें खमीरा लगाया जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ये देख लो, ये इनके पास पहले से पड़ा, ये भी वही चीज है भैया जो ये थी? हाँ जी, हाँ जी, मैदा ये भी है। अच्छा, ये भी मैदा ही है? हाँ जी। ठीक है, ये डाल दो। ये इन्होंने डाल दिया इसमें, मिक्सिंग होगा ये। अच्छा, हाँ जी। तो ये देख लो, मैदा में खमीरा मिला दिया अच्छे से, और इस तरीके से इसको आपको मिक्स करना है। और ये जो भैया ने खमीरा डाला था ना इसमें, इसके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ कि ये क्या है और किस तरीके से बनाया जाता है इसको। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। इसको बनाने में कुछ नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना इसको 2-3 दिन के लिए, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ ना इसको। हाँ, घोल के 3-4 दिन जो भी रखना है आपको रख सकते हो, खराब नहीं होगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि अगर आपको खमीरा बनाना है तो आपको मैदे में पानी घोल के 3-4 दिन तक उसे ऐसे ही छोड़ देना है। हाँ जी, तो वो ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक है जी, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। इनको पहले ये करने देते हैं अच्छे से, इसका बैटर तैयार करने देते हैं जलेबी का। और भैया खमीरा कितना यूज करा आपने यहाँ पे, इसमें कितना लिया होगा खमीरा? जिसमें बराबर लिया है मैंने, मतलब जितना मैदा था उतना ही खमीरा लिया? आधा किलो मैदा लिया, आधा किलो खमीरा लिया है। अच्छा, आधा किलो मैदा में भैया ने 250 ग्राम पानी डाला था और आधा किलो ही खमीरा भी डाला है। हाँ जी। और ये क्या कहते हैं, बनने के लिए तैयार हो गया ये देखो। अच्छा जी, ये दिखाना भी एक बार हाथ में, ये देख लो, इसमें भी गांठे नहीं है बिल्कुल भी, और थिकनेस देख लो कितनी है इसकी, ऐसे आराम से गिर रहा है, ये पतला ही है। जलेबी के लिए आपने देखा ही होगा पतला ही रहता है, ये देख लो इस तरीके से। अच्छा भैया, मेरे को एक बार इसका ये दिखाओगे, डोनी से हिला के दिखाओगे एक बार? ये देख लो कितना पतला है। अच्छा भैया, मेरे को ये बताओ, ये जैसे खमीरा बनाना है ना, तो ये तो पतला है। हाँ जी। तो ये बनाने के लिए कितना मैदा और कितना पानी लेना पड़ेगा? इसमें कोई भी नहीं है, जैसे घर में आपको आधा किलो खानी है, 1 किलो खानी है, तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही मैदा चाहिए, आधा किलो मैदा बहुत बनेगी जलेबी। अच्छा, आधा किलो मैदा में पानी कितना लेंगे फिर? बराबर डाल दो। अच्छा, आधे किलो मैदा में आधा किलो पानी, 2-3 दिन तक छोड़ दो उसको। ठीक है, अपने आप ऐसा आ जाएगा वो। ठीक है, बन जाएगा, बनने के बाद उसमें और मैदा लगाना पड़ेगा आधा किलो। अच्छा, फिर उसमें और मैदा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जलेबी बन जाएगी। ठीक है, तो भैया कह रहे हैं जैसे ये खमीरा है ना, जैसे आपको जलेबी बनानी है घर में, तो उसका पहले खमीरा बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको मैदे में पानी मिला के इस तरीके का लिक्विड बना के आपको 2-3 दिन तक छोड़ना पड़ता है, उसके बाद फिर ये वाला प्रोसेस होता है जो ये यहाँ पे आपको दिखाया गया था। ठीक है ना? हाँ जी। और ऐसे करके देखना, ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। अच्छा भैया कह रहे हैं, देख लो, ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, इतना रहना चाहिए, ये ऐसा इतना रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसकी चाशनी देखते हैं, चाशनी किस तरीके से बनाई जाती है। और भैया दोनों देखेंगे, कलर वाली भी और बिना कलर वाली भी। ठीक है, क्योंकि घर में लोगों को होता है, बिना कोई होता है कि जिसको बिना कलर की खानी होती है, कोई होता है जिसको कलर वाली खानी होती है, जैसे शॉप वगैरह में बिकती है। तो चलिए अब चाशनी की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है। तो भाई हमारा यहाँ पे बैटर है, चाशनी आपने देख ली थी किस तरीके से है, ये हमारी ले ली है कढ़ाई, ये कढ़ाई आपको पता ही है कि जलेबी वाली कढ़ाई है। ये भैया तेल कितना लिया होगा इसमें? करीबन 3 किलो, 3.5 किलो होगा। 3.5 किलो तेल होगा, ये कढ़ाई के हिसाब से बढ़ाया जाता है। अच्छा, छोटी कढ़ाई होगी तो कम बढ़ाया जाएगा, बड़ी कढ़ाई होगी तो ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ठीक है। हाँ, और पूरा नहीं फुल होता है, इसकी इतनी लिमिट होती है, देख लो इसमें तेल कितना बढ़ाया जाता है। अच्छा, मतलब अभी इसमें बढ़ाओगे यार? बढ़ा हुआ है ये। अच्छा, बढ़ा हुआ है। तो ये देख लो, कढ़ाई कहाँ ऊपर तक है और तेल नीचे तक है, मतलब कम ही रहता है, नीचे नीचे में ही रहता है इसमें तेल।
तो यार ये कपड़ा देख लो आप भैया, ये कपड़ा क्या अलग होता है या क्या होता है? ये कपड़ा अलग होता है जी, जलेबी का कपड़ा अलग होता है। हाँ मतलब जैसे हम घर में लगता है लोगों को कि रुमाल वगैरह में ही डाल के बना देते हैं, ये कपड़ा अलग होता है, कॉटन का कपड़ा है, देखो डबल होता है ये। अच्छा नहीं होता ये कॉटन का कपड़ा है लेकिन डबल डबल लेयर होती है इसमें। ठीक है तो चलिए होने देते हैं इसको। और भैया तेल कितना गर्म करना है इसमें? तेल फुल गर्म होता है, ज्यादा भी गर्म ना हो ज्यादा भी कम ना हो, नॉर्मल मतलब। हाँ मैं दिखाऊंगा जलेबी का कैसे गर्म दिखाया, मैं थोड़ा सा हल्का डाल के दिखाऊंगा। ठीक है ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारा जो तेल है वो इनफ गर्म हो चुका है या नहीं। तो भैया दिखाइए, ये देख लो, पहले हल्का सा छोड़ के देखा भैया ने, अभी तेल ठंडा है हल्का। अच्छा अभी ठंडा है? हाँ जी। ठीक है तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। ठीक है भैया स्टार्ट करो अब, ये देख लो अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, पतली पतली एकदम करारी जलेबियाँ बनेंगी यहाँ पर। ये देख लीजिए किस तरीके से आपको हाथ घुमाना है, डिज़ाइन आप अपना कोई भी देख लेना घर में किस तरीके से आपको बनाना है, सिंगल पीस बनानी है या गोल गोल ऐसे लड़ी बनानी है। ये लंबी दिखा दी, मैं गोल भी बना के दिखाऊं आपको? गोल भी बना के दिखा दो भैया, ये देखो ये सिंगल पीस। हाँ जी ऐसे घर पर नहीं बनाने जानते, लड़ी तो सिंगल बना सकते हैं। अच्छा हाँ जी ये देखो। तो भैया ने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया, गोल भी दिखा दिया और सिंगल लड़ी भी दिखा दी। ठीक है जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से आप बना लेना। ये रही लड़ी। और भैया आँच कैसी रखेंगे जब जलेबी डालेंगे? फुल गर्म होगी और क्या कहते हैं सेका, जैसा सही सेके पर छोड़ी जाएगी। अब जैसे मैंने कम कर रखा था हाँ। कर दी छोड़ने का। तो भैया कह रहे हैं जब भैया लड़ी बना रहे थे ना इसमें तब आपको आँच कम रखनी है और फिर जब ऐसे सेकने लग जाएंगे तब आपको तेज कर देनी है आँच। भैया कितना टाइम लग जाएगा लगभग इनको बनने में? अच्छा 2 से 3 मिनट लगेंगे सेकने में, मतलब 1-1.5 मिनट एक साइड और 1-1.5 मिनट एक साइड आपको लगेगा इसे पकाने में। ये देख लो कलर इनमें आने लग गया है ब्राउन ब्राउन। कलर आ गया तो गैस कम कर लेनी है। अच्छा भैया कह रहे हैं जब इसमें कलर आ जाएगा ना तो गैस कम कर देना, उसके बाद गैस इतना मतलब तेल इतना गर्म होता है कि उसमें वो सिक जाए अच्छे से। ये देख लो बढ़िया तरीके से ब्राउन हो चुकी है। अब ये जो हमने चाशनी बनाई थी यहाँ इसमें डाल रहे हैं और ऐसे से ना करछी रख देनी है उसके ऊपर ताकि बढ़िया तरीके से वो चाशनी पी लें अच्छे से। ये देख लो इस तरीके से कलर आया है, ये देख लो दिखने में कितनी बढ़िया लग रही है, कलर कितना अच्छा है और देखने में ही करारी लग रही है। ऐसे खाने की जरूरत नहीं है फिर भी मैं आपको तोड़ के बता देता हूँ। ये देख लो बहुत ही बढ़िया लग रही है दिखने में। तो यहाँ पे जलेबी की चाशनी बनने जा रही है तो यहाँ पे भैया ने लिए चीनी। चीनी कितना होगी भैया? ये 2 किलो चीनी है, डाल दो भैया 2 किलो चीनी और इसमें देखते रहेंगे कितना कितना पानी डालना है, कितनी देर तक इसको पकाना है। 700 ग्राम पानी डलेगा। ठीक है 2 किलो चीनी में 700 ग्राम पानी। अब इसमें पानी डाल के उबालना है, अब इसको उबालेंगे पानी डालने के बाद। ये देख लो भैया ने कर दिया यहाँ पे गैस ऑन, अब इसको गलाएंगे ना भैया पूरा पिघला देंगे। ठीक है तो ये बनने जा रही है 2 किलो चीनी की चाशनी जिसमें 700 ग्राम 700 ml या 700 ml भैया ने पानी डाला है। अब इसको अच्छे से गलाना है, इसमें आगे जो जो भी करेंगे कलर डालेंगे ये नहीं डालेंगे जो भी करना है वो सारी चीजें आगे दें। कलर वाली नहीं बनाओगे भैया? अगर आपको चाहिए कलर लगा सकते हैं। अच्छा वैसे यहाँ पे कलर नहीं डालोगे आप? ठीक है तो बाकी आप जलेबियाँ देखोगे वहाँ पे रखी हुई है लेकिन अगर आपको इसमें कलर डालना है तो डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है। काफी लोग डालते हैं रेड कलर ऑरेंज कलर ताकि जलेबी की दिखने में थोड़ी अच्छी लगे बढ़िया लगे, लेकिन वो ऑप्शनल है आपके ऊपर है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। और भैया क्या करछी ऐसी लगातार चलाते रहनी है? हाँ जी नीचे पकड़े ना। अच्छा ताकि नीचे जले, भैया कह रहे हैं इसको ऐसी लगातार चलाते रहना ताकि नीचे जो ये चीनी है ना नीचे लगे ना वो जले ना। चीनी बिल्कुल गल चुकी है, अब इसको भैया कितनी देर तक और पकाएंगे? ऐसी उबाला आने तक, जो आप कह रहे थे साफ वगैरह करेंगे? हाँ जैसे उबाला आने के बाद छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, इसमें जो गंदगी होगी जो इसकी जाग है उसको उतार करनी है, साफ हो जाएगी। ठीक है तो भैया कह रहे हैं इसको उबाल आने तक छोड़ देंगे, जैसे इसमें उबाल आ चुका है
उसके बाद जो इसमें झाग आएगा ना ऊपर गंदगी वगैरह आएगी उसको निकाल के फिल्टर करके रख देंगे साइड में। बंद कर दिया हमने, इसको छोड़ देंगे 2 मिनट तक। अच्छा भैया कह रहे हैं आप बंद कर दिए, जैसे ऐसे अच्छे से उबल के आ जाएंगे ना झाग ऊपर आ जाएगा तो आपको बंद कर देनी है उस टाइम पे गैस। अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आगे देखते हैं। जैसे ये नीचे नीचे जा रहा है ना धीरे, इसको जाने देते हैं। अच्छा जो ऊपर का इसका ये झाग है ना साफ दिख रहा है ना इधर, हाँ ऐसे हो जाएगा पूरा, इसको उतार कर इसमें डाल देंगे। अच्छा ये देख लो ये जो ऊपर झाग है ना, तो ये गंदगी है इसको हटा देंगे फेंक देंगे इसको। तो ये देख लीजिए यहाँ पे हमारी चाशनी बनके बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी है। भैया ये हटाओगे एक बार, ये देख लो ये हमारी चाशनी बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पे इनके पास वैसे पहले से ही रेडी थी चाशनी, लेकिन फिर भी स्पेशली आप लोगों के लिए इन्होंने बनाकर दिखाई है यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी में, जैसे कि आपको घर में चाहिए होती है। और भैया कह रहे थे कि जैसे आपको कलर वाली चाहिए होती है ना घर में जलेबी, कौन सा कलर मिलाते हैं भैया उसमें? दोनों मिलते हैं, येलो और रेड। अच्छा येलो और रेड, हाँ जी ठीक है। तो जैसे भैया कह रहे थे मैं बिना कलर के भी बना के दिखा दूंगा, जो शॉप में ये लोग बनाते हैं वो बिना कलर की बनाते हैं, लेकिन कह रहे थे जैसे घर में किसी को बनानी होती है तो उनको कलर वगैरह चाहिए होता है, तो वो मैं वो भी बना के दिखा दूंगा, कलर वाली भी और बिना कलर वाली भी बना के दिखा दूंगा।